हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। हम आपके लेसन पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसमें एक राजा होता है कि वो ऐसा काम करता है कि कानून पास करता है कि रात को जैसे सबको काम करना है और दिन में सबको सोना है, और हर कोई दिन में कोई काम नहीं करेगा। और हर चीज़ क्या थी, बहुत सस्ती थी, और हर चीज़ की कीमत क्या थी, एक समान थी। ठीक है, एक डूडू में तोली जाती थी सब चीज़ों को। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं। इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस। ये विश्वास किया जाता है कि मूर्ख होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, केवल बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में मूर्ख कौन है? वाट हैपन्स टू देम, और उनको क्या हुआ? इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों की राजधानी में दोनों ही क्या थे, राजा और मंत्री थे, वो क्या थे, पागल थे या फिर मूर्ख थे। दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे और राजाओं की तरह चीज़ों को नहीं चलाते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। और उन्होंने निश्चय किया कि वो रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में बदल देंगे। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने आदेश दिया कि हर किसी को रात को जागना है। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसिस ओनली आफ्टर डार्क। केवल क्या करेंगे, वो अंधेरे में ही अपने खेत में जा सकेंगे और अपने काम कर सकेंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज आएगा तो सभी बिस्तर पर चले जाएंगे। एनी वन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। हर कोई यदि जिसने इस हमारी अवज्ञा की तो वो क्या होगा, उसको मौत की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने भी ऐसा ही किया मृत्यु के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री थे वो अपनी जो प्रोजेक्ट की जो सफलता है उस पर खुश थे। वन डे ए गुरु एंड हीज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य था वो शहर में आए। इट वॉज़ ए ब्यूटिफुल सिटी। ये एक सुंदर नगर था। इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट। दिन का काफ़ी रोशनी थी। बट देर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन कोई भी नहीं था वहाँ। एवरी वन वॉज एस्लीप, नॉट ए माउस स्टीरिंग। और हर कोई सोया था, एक चूहा भी वहाँ नहीं था। इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि जो पशु है उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वांडर्ड अराउंड डाउन टाउन टिल इवनिंग। और जो दो अजनबी थे वो क्या थे, हैरान थे इस बात पर कि उन्होंने क्या देखा, इधर उधर देखा और घूमते हुए देखा, शाम तक देखा। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप। जब अकस्मात पूरा नगर जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और अपना रात के काम करने लगा। द टू मैन वर हंग्री। दोनों आदमी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब दुकानें खुलने लगी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज। उन्होंने कुछ यानी कि घरेलू सामान लिया। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। उन्होंने पाया कि हर चीज़ है वो एक ही कीमत है, हर चीज़ की कीमत एक ही, ए सिंगल डूडू, केवल एक डूडू। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, चाहे वो चावल खरीदो या फिर एक गुच्छा केला का खरीदो। इट कॉस्ट ए डूडू, केवल इसकी कॉस्ट क्या है, एक डूडू है। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और उसका शिष्य खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी। और उन्होंने जितना भी भोजन चाहा एक रुपए में ही खरीद लिया। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना बना लिया और पका लिया। द गुरु रियलाइज दैट ही दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स। तो गुरु को ये महसूस हुआ कि ये राजधानी है वो किसकी है, मूर्खों की राजधानी, मूर्खों का शहर है। एंड इट्स वुड बी ए गुड आइडिया, इट्स वॉन्ट बी ए गुड आइडिया, और ये कोई अच्छा विचार नहीं था। फॉर देम टू स्टे देयर, उनके लिए कि वहाँ रहना। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए कोई जगह नहीं। लेट अस गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल, आओ चलें, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, परंतु जो शिष्य है वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर चीज़ यहाँ सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड, जो भी वो चाहता था अच्छा भोजन,
द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल, वो सभी मूर्ख हैं, फूल्स, दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट, और आप नहीं कह सकते कि उनका अगला कदम क्या होगा। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, परंतु शिष्य है वो गुरु की जो बुद्धिमानी की बातें सुनना नहीं चाहता था, ही वांटेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, आखिरकार गुरु ने उसको छोड़ दिया और कहा, डू वाट यू वांट, जैसा चाहो वैसा करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, और चेला था वो रहता गया, एट हिज फिल एवरी डे, हर रोज़ भरपेट खाना खाता, बनाना एंड घी एंड राइस एंड वीट, और चावल घी और केले गेहूँ, एंड ग्रीप फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड से कटबुल, और इतना मोटा हो गया जैसे गली का कोई सांड हो, उसकी तरह मोटा हो गया, पवित्र सांड हो। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन क्या हुआ, दिन के अंदर ही, ठीक है, दिन के अंदर ही चोर घुसेंगे ना, एक रिच मर्चेंट के घर में क्या हो गया, एक चोर घुस गया, ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद बनाया, एंड स्नेक इन, और इसमें से सेंध लगाई, एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपनी लूट लेकर के आ रहा था, ही द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, और जो पुराना घर था उसकी दीवार थी वो उसके सिर पर गिर गई, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसको मौके पर ही मार दिया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई राजा तक आया और उसको क्या की, कंप्लेंट की उसकी, योर हाईनेस, हे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कहता है कि जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और उसने उसको मार दिया, द मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इस व्यापारी पर ब्लेम जाता है, ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रोंग वॉल, इसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, यू मस्ट पनिश द रोंग डोयर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको जिसने गलत किया उसको सजा देनी पड़ेगी और परिवार को हर्जाना भी देना पड़ेगा इस अन्याय के लिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा कि न्याय जरूर होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और अचानक उसी समय उसने घर के मालिक को बुला भेजा। When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी पहुंचता है तो राजा है उसको सवाल करता है, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. वो अपना नाम बताता है, फलाना फलाना। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम उस समय घर पे थे जब जो आदमी मर गया तुम्हारे घर पे चोरी कर रहा था? Yes, my lord. हाँ, कहता है, मैं वहीं था। He broke in and wall was weak. और वो कहता है कि उसने जब सेंध लगाई तो वाल थी वो कमज़ोर थी, आई इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर गई, द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, तो कहता है कि वो दोषी था, योर वाल किल दिस, कहता है इससे तुम्हारा जो दोष है वो सिद्ध होता है, योर वाल किल दिस मैंस ब्रदर, इसके भाई को मार दे तुम्हारी दीवार ने, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, एक आदमी का खून किया, वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें सजा देंगे, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, कहता कि महाराज ऐसा है व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार बनाई, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको ठीक से नहीं बनाया, यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसको सजा देनी चाहिए, हु इज़ दैट, कौन है वो, माय लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, ये मेरे पिता के समय में बनाई गई थी, आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, वो अब वो यहीं रहता है नज़दीकी, द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, और राजा ने क्या किया, राजगीर के घर मैसेंजर्स भेज दिए उसको बुलाने के लिए, और जो कि जिसने दीवार बनाई थी, दे ब्रोट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उसको बांध करके ले आए हाथ पैरों से, यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तुम क्या कहते हो, क्या तुमने तुम्हें इसके पिताजी के समय में दीवार बनाई थी, यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने ऐसा किया था मेरे मालिक, वाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये गरीब आदमी पर गिर गई और उसको मार दिया, यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसको
मार दिया है, तुमने उसका खून कर दिया। ही वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और हम तुम्हें क्या देंगे, मृत्यु की सजा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, इससे पहले कि राजा ऑर्डर फांसी के आदेश सुनाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड, बेचारा राजगीर गिड़ गिड़ा, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, पहले मेरी बात सुनो अपने आदेश देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सत्य है कि मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज़ नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, परंतु ये इस समय मेरा ध्यान इस दीवार पर नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मेरे को अच्छी तरह याद है एक नाचने वाली लड़की थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, और जो इस गली में से आती थी और जाती थी, ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और अपने पाजेब खनकाते हुए जाती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं अपना ध्यान दिमाग है वो बिल्डिंग पर बनाने पर नहीं रख सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, और आपको उस डांसिंग गर्ल को जरूर लाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, तुम ठीक कहते हो, केस है वो गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें जब मामले की छानबीन करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में न्याय करना आसान नहीं होता। लेट्स गेट द डांसर, वेयर एवर सी इज, आओ उस डांसर का पता करें वो कहाँ रहते हैं। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमैन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, अब डांसिंग गर्ल थी वो क्या थी, अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, कांपते हुए कोर्ट